नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हेल्थ एम्प्लॉयज कॉर्नर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि यूविन पोर्टल पे आशा को कैसे ऐड करना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा की एंट्री के लिए हमें वैक्सीनेटर का जो लॉगिन है इस पे हमें जाना है। वैक्सीनेटर लॉगिन से ही आशा की एंट्री होती है, एडमिन से नहीं होती। तो ये वैक्सीनेटर लॉगिन पे जाइए और वेबसाइट का नाम आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो भी वैक्सीनेटर का मोबाइल नंबर है, ओटीपी से भी आप लॉगिन कर सकते हो, पासवर्ड से भी कर सकते हो और लॉगिन कर दीजिए। तो ये लोकेशन भी मांगता है तो इसे यस कर दीजिए। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो लेफ्ट साइड में तीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड और दूसरे नंबर पे आशा मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है वो हमें नज़र आता है। तो आशा मैनेजमेंट पे हमें क्लिक करना है। आशा मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद फैसिलिटी और सेशन साइट जो ऑलरेडी हमने क्रिएट की है उसे सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद राइट साइड में क्रिएट आशा यूजर का जो बटन है उस पर हमें करना है क्लिक। तो चलिए ये मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद एक नई विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है, क्रिएट आशा। तो यहाँ पे उस आशा का पूरा डिटेल्स जो है वो हमें भरना है, उसका पूरा नाम यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, फीमेल, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को ध्यान से भरना है दोस्तों। यहाँ पे कुछ बातें मैं हाइड कर देता हूँ। मोबाइल नंबर 10 अंकों का होना चाहिए। जिसके बाद नीचे सेशन साइट जो है उस साइट को सिलेक्ट करना है, वो आशा कहाँ काम करती है उस साइट को और उस विलेज को हमें यहाँ पे करना है क्लिक। उसके बाद सबमिट कर देना है और ये नीचे मैसेज देख रहे हो आप, क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो उसके बाद ये आशा का नाम यहाँ पे आ जाता है। एक्शन में जो तीन डॉट हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो व्यू आशा में जाके उस एंट्री को हम देख सकते हैं। एडिट आशा में जाके उसके कुछ डिटेल्स अगर बदलने हैं तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। और इन फ्यूचर ड्यू लिस्ट, उस आशा की जो ड्यू लिस्ट है वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद वैक्सीनेटेड लिस्ट है उस आशा की स्पेसिफिक, तो उसे भी हम देख सकते हैं। रीसेट पासवर्ड है, सेट डिफॉल्ट पासवर्ड है। जी हाँ, ये आशा की जो एंट्री हमने की है, ये आशा को भी इन फ्यूचर डाटा एंट्री उसके मोबाइल में करनी है तो उसके जो पासवर्ड है वो रीसेट और सेट डिफॉल्ट पासवर्ड भी हम कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट आशा कर सकते हैं, अगर वो आशा की एंट्री कुछ गलत हो जाती है तो डिलीट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें नज़र आएंगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है आशा एंट्री का। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक अवश्य करें, अपने स्वास्थ्यकर्मी भाई और बहनों में शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।